नमस्कार प्यारे बच्चों, लॉकडाउन की वजह से आप अपने स्कूल लाइब्रेरी में नहीं आ सकते, तो हमने कोशिश की है कि लाइब्रेरी ब्लॉग के जरिए लाइब्रेरी आप तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं कि कैसे लाइब्रेरी ब्लॉग को हम एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। इसमें ब्लॉग एड्रेस जो लाइब्रेरी का है उसे टाइप करेंगे, केवी रुड़की 1 लाइब्रेरी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये देखिए आपका लाइब्रेरी ब्लॉग खुल गया। इसमें जो फर्स्ट पेज दिख रहा है आपको, ये होम है, इसको होम पेज कहते हैं। ये जो पहला टैब है होम, होम पेज में आपको जो डिस्प्ले हो रहा है ये हमारी न्यू अराइवल्स है, मतलब जो नई किताबें हमारी लाइब्रेरी में आई हैं उसके बारे में आपको सूचना दे रहे हैं। इसके अलावा इस पेज पे हम जो करंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हम आपको बताते हैं, जैसे कि अभी क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या सूचनाएं चल रही हैं जो आप तक हमें पहुंचानी होती हैं। जैसे अभी ब्रिक्स मैथ्स चल रहा है आपका कंपटीशन, इसकी मैंने सूचना दी है। साथ ही राइट हैंड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये एजुकेशनल न्यूज़ चल रहा है जो आपके मतलब का है, आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा, आपके इन्फॉर्मेशन आपका इंटरेस्ट होगा इसमें। ये आज के डेट की हैं, आप डेट देखिए इसका 25/4 है, तो ये आज के डेट की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें चल रहा है। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो टैब आपको दिख रहा है ये अबाउट लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि आपके लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, किस सॉफ्टवेयर के तहत इसको मैनेज किया गया है। दूसरा जो टैब दिख रहा है आपको, ये एक्टिविटीज़ हैं। जो भी हम एक्टिविटी कराते हैं लाइब्रेरी में बच्चों को, आपके द्वारा ही की गई एक्टिविटीज़ हैं ये, उसके बारे में यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन्स होती हैं। ये फ़ोटो गैलरी है, जो हम एक्टिविटी कराते हैं स्कूल में या लाइब्रेरी में उसके फ़ोटोग्राफ्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी कैटलॉग है, लाइब्रेरी के अंदर जो कलेक्शन है, मतलब जितने भी बुक्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन्स यहाँ पर हैं। करीब 7,000 किताबें आपके पास हैं लाइब्रेरी में, तो इसमें आपको दिख रहा है टाइटल्स, ऑथर, ये एक्सेल सीट में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी किताबों के बारे में आपको सूचना मिलेगी, ऑथर कौन है, टाइटल कौन है, पब्लिशर कौन है। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, जो विद्यालय जब खुलेगा तो आप वापस आके पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी आपने पढ़ ली है, कौन सी आपने नहीं पढ़ी अभी तक, तो ये सूचना आप यहाँ से ले सकते हैं, पूरे कैटलॉग को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये टैब है वीडियो गैलरी, इसमें जो वीडियो बनाते हैं आपका, जो आपकी कोई एक्टिविटी होती है किसी तरह की, जो हम वीडियो बनाते हैं उसको आपके स्कूल के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और साथ में हमने लिंक यहाँ पे दिया है, तो ये आपकी ही की हुई एक्टिविटीज़ हैं, आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टैब है ये KV1 रुड़की। आपको अगर स्कूल की वेबसाइट पर जाना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं, KV1 रुड़की को आप क्लिक करेंगे और ये आपके स्कूल की वेबसाइट खुल गया। यहाँ से आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान कोष। ये ज्ञान कोष हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, इसमें 10th और 12th क्लास के जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपको ज़रूरत है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अवेलेबल है। ये KVS हेड ऑफिस के साइट से आपको जोड़ता है, तो ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपना इन्फॉर्मेशन, अपने बुक्स, उनके जो भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल लर्निंग, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लॉकडाउन की वजह से हम डिजिटल लर्निंग ही कर रहे हैं, तो उसके लिए ई रिसोर्सेज कहाँ कहाँ, कौन कौन से वेबसाइट से आपको कैसी सूचनाएं मिल सकती हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस, कौन कौन सी बुक्स आप एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे टाइप दिया है डिजिटल लर्निंग थ्रू यूजफुल ई रिसोर्सेज। इसमें हमने अलग से बनाया है, आप देख रहे हो, फॉर स्टूडेंट्स फॉर टीचर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। जैसे NCERT की साइट है, इसमें CBSE है, ज्ञान कोष है, दीक्षा है, लर्निंग कंटेंट्स है क्लास 12th से 1st to 12th तक। इसमें देखो आपको हर क्लास के लिए सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से जो भी आपको चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए, अपने क्लास के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, एक एक टाइटल्स आपको इसमें दिख रहा होगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारा इसमें से आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये आपके विद्यालय का यूट्यूब चैनल है,
केवी रुड़की वन यूट्यूब, जिसके माध्यम से आजकल आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आप स्कूल के यूट्यूब पर डायरेक्ट जा सकते हैं। और जितने भी वीडियोज़ अभी तक हमने स्कूल के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसकी वीडियो है, कौन कौन से सब्जेक्ट की है, कितने व्यूज़ हैं उसके, कितने दिन पहले अपलोड की गई हैं। तो आप यहां से एक साथ एक्सेस कर सकते हैं पूरे केवी रुड़की वन के यूट्यूब चैनल को। इसके बाद स्टोरी बुक्स हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है स्टोरी बुक्स पढ़ना, छोटे बच्चों के लिए हमने स्टोरी बुक्स, बड़े बच्चे जो भी पढ़ना चाहें आप यहां से, हमने गवर्नमेंट साइट है NBT राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, उनको हमने यहां पे ऐड किया है NBT की बुक्स। तो आप जो भी हिंदी में, इंग्लिश में जो भी पढ़ना चाहते हैं आप यहां से डाउनलोड कीजिए और बुक्स को आप पढ़ सकते हैं स्टोरी बुक्स। इसके अलावा न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, आपके विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, न्यूज़पेपर को देते हैं, न्यूज़पेपर कवरेज होती है हमारी, न्यूज़पेपर कवर करते हैं आपके हर एक्टिविटी को। तो जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है आपकी इन्फॉर्मेशन आपके एक्टिविटीज़ के बारे में, वो हमने यहाँ पर क्लिपिंग करके डाला है, आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी से रिलेटेड डाला है, जैसे आपके यूट्यूब चल रहा है, अभी यूट्यूब पर ही क्लास चल रहा है आपका, अभी हमने वर्ल्ड बुक डे मनाया था उसकी, तो सारी यहाँ पर सूचनाएँ देख सकते हैं। तो ये है आपका लाइब्रेरी ब्लॉग, आप इसे एक्सेस कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए, सारी सूचनाएं आपके यहाँ हैं। थैंक यू।